देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की उम्मीदों का बजट पेश हो गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने करीब 3 घंटे के अपने बजट भाषण में प्रदेश की विकास की रूपरेखा का खाका खींचा। उन्होंने राज्य के युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, किसान और अन्य सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की घोषणा की। दिया कुमारी ने सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू किया था और दोपहर 1:53 पर उसे पूरा किया। बजट भाषण के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में उद्योग और व्यापार के लिए कई ऐलान किए, जिसमें बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना होगी, 200 करोड़ की लागत से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनेगा, राज्य में नए डेटा पॉलिसी बनाई जाएगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी। बजट भाषण के बाद विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट बोले कि बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है, कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की जनता को जरूरत थी, आज बिजली पानी का बहुत बुरा हाल है। प्रदेश में विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है, उसमें जो घोषणा पहले की थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अभी नई घोषणाएं की है। मुझे लगता है कि यह बजट पड़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावनाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। झलावाड़ जिले की धार्मिक नगरी झलारपाटन शहर में बीते 3 दिनों से आयोजित चल रहे रथ यात्रा महोत्सव का देर शाम को महाआरती व प्रसादी वितरण के साथ समापन हो गया। इस दौरान रथ यात्रा स्थल पर शहर के श्रद्धालुओं का भारी सैलाब भी देखने को मिला। हनुमानगढ़ राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत स्वीकृति, भूगोल विषय की फीस कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने आज कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने फीस कम करने के अलावा व्याख्याताओं के रिक्त पद भरकर नियमित कक्षाएं शुरू कराने, बकाया छात्रवृत्ति जारी करने और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम PPAC बढ़ा दिए। बीजेपी की समस्या यही है कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। वो खुद अपने राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे। DRC के निर्देश में साफ कहा गया है कि सितंबर तक PPAC चार्ज नहीं बढ़ाए जाएंगे। डिस्कॉम के पास प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और खासकर जब उन्हें ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर PPAC में 7.5% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो पत्नी को गुजारा पाने का अधिकार देती है, वो सभी महिलाओं पर लागू होगी। उनकी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी इस कानून के तहत अपने पति से गुजारा पाने के लिए अर्जी लगा सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाने के आदेश जारी किए। बता दें, किसानों ने लोकसभा से पहले जब दिल्ली कूच करने की तैयारी की थी, तब हरियाणा पुलिस ने वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसके विरोध में किसान वहीं बैरिकेड्स पर धरने पर बैठ गए। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित SIT द्वारा शासन को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सवाल उठाए। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि SIT की यह रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के बारे में खामोशी बड़ी चिंता का कारण है और सरकार ने भोले बाबा और सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। सांपों का जहर वाली पार्टी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी ने नया समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एल्विश को नया समन भेजकर 23 जुलाई को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी ने एल्विश को नोटिस देकर 8 जुलाई को बुलाया था, लेकिन उसने विदेश में होने की बात कहकर कुछ दिनों का समय मांगा था। इस पर ईडी ने 23 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।